जी असलकम हम डिस्कस करें चैप्टर फिफ्टीन आपकी स्टडी टेक्स्ट का असेसमेंट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हमने असेसमेंट वाला पोर्शन को डिस्कस किया था इस वीडियो में हम रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट वाला पोर्शन डिस्कस करके इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे पहले मैं इस चैप्टर की जो मैंने फ़र्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था क्योंकि उसकी काफ़ी बातें इस वीडियो में ऑडिट वाले पोर्शन में आपस में रिलेट करेंगी तो थोड़ा बहुत उसको रिकॉल कर लेते हैं हमने असेसमेंट्स पढ़ी थी तीन एक होती है आपकी सेल्फ असेसमेंट या नॉर्मल असेसमेंट एक होती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एक होती है प्रोविजनल असेसमेंट फिर हमने ये पढ़ा था कि आप किसी असेसमेंट को अमेंड किस तरह से कर सकते हैं इंडिविजुअल कब कर सकते हैं या पर्सन टैक्स पेयर कब असेस उसको अमेंड कर सकता है एंड एफ बी आर का कमिश्नर कब कब उसको अमेंड कर सकता है आज हम पहले देखते हैं कि रिकॉर्ड्स क्योंकि रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे तो उसके बाद ही उनका ऑडिट होगा ना तो पहले हम रिकॉर्ड देखते हैं कि बिज़नेस ने जो भी पर्सन है जिस पर्सन ने टैक्स पे करना है पर्सन उन्होंने डिस्क्राइब किए हमने पर्सन पढ़े हुए हैं इनकम टैक्स के अंदर इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनी ये तीन क्या है हमारे टैक्स में पर्सन इन तीनों को इसके अंदर फॉलो करते हैं अब उन पर्सन ने कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं एवरी टैक्स पेयर शैल मेंटेन इन पाकिस्तान सच अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एज मे बी प्रिस्क्राइब अब वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं उन्होंने डिफरेंट बिज़नेस क्लासेस को कि अगर मैनुफक्चरिंग बिजनेस है तो उसने कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं अगर वो एक प्रैक्टिशनर है सर्विसेज प्रोवाइडर है जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट फॉर्म सर्विस प्रोवाइड करती हैं जैसे कि डॉक्टर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि लॉयर्स वकील जो आपके हैं लीगल एडवाइजर्स वो क्या करते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स ने कौन से अपने पास क्या करने हैं रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है स्टोल ट्रेड क्या कहते हैं होल सेलर है उसने कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं हम ये इसी वीडियो में ये सारे चीज़ें क्या करेंगे डिस्कस करेंगे अगर आपने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ क्योंकि हम जब रिटर्न सबमिट करवाते हैं उसके अंदर हम डिडक्शंस को क्या करते हैं अलाउ करते हैं जैसे अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो हम उसमें सैलरीज एक्सपेंस क्या कर रहे होते हैं लेस कर रहे होते हैं हम परचेज लेस कर रहे होते हैं तो उस परचेज़ को जो हम अमाउंट को मैं एक्सपेंस लेस कर रहा हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास इनवाइस होनी चाहिए वो क्या है रिकॉर्ड है डॉक्यूमेंट है अगर मैं एक रिकॉर्ड एक डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करने में फ़ेल हो जाता हूँ मैं अपने पास मेंटेन नहीं करता तो जो कमिश्नर है वो मेरे उस एक्सपेंस को मेरी उस डिडक्शन को डिसअलाउ कर देगा इसका इम्पेक्ट क्या आना है जब मेरा एक्सपेंस कम होगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा उससे मेरी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी सॉरी जब एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा और उससे मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी डिडक्शन क्या है मीन्स एनी अमाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्शन वही है जो आप एध एक्सपेरेंस रिकॉर्ड करते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एसओसीआई में जिससे आपका क्या होता है प्रॉफिट कम होता है उससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी क्या होगी कम होगी द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन शल बी मेन्टेन फॉर सिक्स ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच दे रिलेट मतलब टैक्स ईयर नाइनटीन अभी ख़त्म हो चुका हुआ है टैक्स ईयर ट्वेंटी चल रहा है तो टैक्स ईयर नाइनटीन के डॉक्यूमेंट्स कब तक बिजनेस ने पर्सन ने मेंटेन करने हैं टैक्स ईयर ट्वेंटी एक साल हो गया टैक्स ईयर ट्वेंटी वन दो साल हो गए ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव मतलब तीस जून दो हज़ार पच्चीस तक बिज़नेस ने अपने टैक्स ईयर नाइन्टीन के पर्सन ने अपने टैक्स ईयर नाइनटीन के रिकॉर्ड्स क्या करने हैं अपने पास मेंटेन रखने हैं अगर छठे साल छठे साल में क्या होता है ऑडिट स्टार्ट हो जाता है तो या कोई असेसमेंट ऑर्डर पास होता है और आपका कोर्ट आपका जो पटिशन है आप अपील कर देते हो चैप्टर सिक्सटीन में आपने अपील पढ़ी है आप अपील कर देते हो किसी रेलिवेंट अथॉरिटी के पास आप कमिश्नर अपील्स को अपील करते हो एपलेट ट्रिब्यूनल को आप अपील करते हो आप हाई कोर्ट अपील करते हो या सुप्रीम कोर्ट अपील करते हो तो जब तक उस अपील का उस जो प्रोसीडिंग चल रही है केस की उसका डिसीजन नहीं आएगा चाहे छठे साल में आप केस करते हो अपील करते हो और चार साल वो केस लगा चला रहता है तो उस केस में स्पेसिफिक केस में आप तब तक उस रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को उस साल के डॉक्यूमेंट्स को मेनटेन करोगे जब तक उस केस का डिसीजन नहीं आ जाता द कमिश्नर मे रिक्वायर एनी पर्सन टू इंस्टॉल एंड यूज इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर अब इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर क्या होते हैं ये आपके ऑटोमेटिकली टैक्स लाइबिलिटी आपके एक्सपेंसेस को जो डिडक्शन अलाउ होती हैं आपको अलाउ कर देता है जो अलाउ होती हैं वो आपको अलाउ नहीं करता इससे आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी खुद ही क्या हो जाती है आपकी कैलकुलेट हो जाती है तो कमिश्नर किसी भी पर्सन को कह सकता है कि आप इस रजिस्टर को क्या करें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें आपस में क्या होता है लिंक्ड होता है ये अब हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने बनाने हैं कौन कौन से रिकॉर्ड कब एक पर्सन ने मेंटेन करने हैं एवरी टैक्स पेयर मतलब कंपनी भी इसमें शामिल है इंडिविजुअल भी शामिल है एओपी भी शामिल है डराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस ये जस्ट जो अपलिकेबल होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एवरी पर्सन की ये रूल ट्वेंटी नाइन का क्या मतलब है आपके जिस तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है आप कुछ तरह आपके इनकम टैक्स रूल्स भी हैं तो आपकी कुछ ऑर्डिनेंस की बातों को वो एक्सप्लेन करने के लिए स्पेसिफ़िक रूल्स देते हैं जो आप, आप जहाँ पर आप रूल्स बेसिस पे चलते हैं कि जब एक रूल बन गया तो रेलिवेंट पर्सन ने क्या करना है उसको फॉलो करना ही करना है तो क्या है आर समी रिसीव एंड एक्सपेंडेड बाई द टैक्स पेयर एंड द मैटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द रिसीड एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस अगर आप याद करें तो आपने बिजनेस लॉ कैफ थ्री में चैप्टर ट्वेंटी सेवन में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था तो सेम ही वहाँ पर यही स्टेटमेंट लिखी हुई थी मतलब ये कंपनीज़ एक्ट वाली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट हैं किसी भी कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए उन्होंने यहाँ पर वही रिक्वायर्ड किए हैं टैक्स पेयर वहाँ पर लिखा हुआ था ऑप्टेन बाई द कंपनी यहाँ पर लिखे हुए अपने बाय द टैक्स पेयर या इतना ही क्या है इन दोनों में आपस में डिफरेंस अगर आप चैप्टर ट्वेंटी सेवन को रिकॉल करें अगर आप भूल चुके हैं तो ये तो गलत बात है हाँ अगर आपका बिज़नेस ला पास है और फिर आप बोले हैं तो फिर कोई मसला नहीं है अगर आपने पेपर देने और फिर भी भूले हुए हैं तो फिर ये बड़ी सोचने वाली बात है फ़िक्रमंदी की बात है ऑल एसिड्स ऑफ द टैक्स पेयर तो उसके रिकॉर्ड्स क्या होने बिज़नेस अपने पास क्या करने मेंटेन करने हैं ऑल लाइबिलिटीज ऑफ़ द टैक्स पेयर अगर लोन है तो लोन के एग्रीमेंट्स होने चाहिए क्योंकि उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे करते हो और आप उस इंटरेस्ट को एज ए एक्सपेंस अपने प्रॉफिट्स में से लेस करते हो तो आपके उस इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आपके पास जो लोन है आपने जो लिया हुआ है उसका एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ जी हमने लोन लिया हुआ है ये एग्रीमेंट हमारे पास है और इस एग्रीमेंट में ये आपके क्या है एक रेलिवेंट जो मार्कअप गेमन है जिस मार्कअप पे लोन मिला हुआ है ताकि आप अपने उस इंटरेस्ट डिडक्शन को एक्सपेंस को जस्टिफाई कर सकें अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अगर आप किसी डिडक्शन को किसी एक्सपेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते जस्टिफाई कैसे करेंगे एविडेंस प्रोवाइड करेंगे उस डिडक्शन का और एक्सपेंस का जब एविडेंस ही नहीं होगा तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो हमें डिडक्शन क्या हो जाएगी डिसअलाउ हो जाएगी इन केस ऑफ टैक्स पेयरिंग गेज इन असेंबली मतलब अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमको अगर आप अपने एफ आर वन पढ़ ली है अपने इन्वेंट्री पढ़ ली है अगर आपकी पता है आपको आपका जो बिज़नेस होता है वो दो टाइप का होता है एक होती है ट्रेडिंग सॉरी एक होती है सर्विसेज एक होती है गुड्स आप गुड्स आप मैनुफेक्चर करते हो और ट्रेडिंग भी करते हो मैनुफैक्चरिंग में आप मटीरियल पर करते हो मटीरियल से आप एक प्रोडक्ट बनाते हो उस प्रोडक्ट पर आपका रॉ मटेरियल लग रहा होता है आपकी लेबर लग रही होती है आपके ओवरहेड्स लग रहे होते हैं तो आपने ये कैफ एट में प्रॉपर पढ़ने हैं चीज़ों को किस तरह से आपने कॉस्ट का पार्ट बनाना होता है वैसे आपने आई एस टू में भी इसको पढ़ा होगा तो जो भी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे आपकी इन्वेंट्री का आपके जो एक्सपेंसिज होंगे तो आपने उनके सारों के सारों के जो कॉस्ट आइटम उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे आप अपने पास मेंटेन रखने हैं द बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड टू बी मेनटेन अंडर दिस चैप्टर शैल बी मेनटेन फॉर सिक्स अभी हम ऊपर जनरल बात करके आए थे जहाँ पर उन्होंने इस रूल ट्वेंटी नाइन को एक स्पेसिफिकली इन परसेंस के बारे में बात कर एवरी टैक्स पेयर जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसने छः साल तक क्या करनी है उसको मैंटेन करनी है द प्रोविजन ऑफ मैंटेनिंग द बुक्स नॉट अप्लाई साल वाली अप्लाई नहीं होगी वे आर एनी प्रोसीडिंग अंडर द ऑर्डिनेंस इज पेंडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी और जब तक उसका डिसीजन नहीं आता ये वही बात है जो अभी हम जनरल में डिस्कस कर रहे थे अब उन्होंने स्पेसिफिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनकम फ्रॉम बिजनेस है किसी टैक्स पेयर की और उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो तब तक वो उनको डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा जब तक उस केस का डिसीजन नहीं आ जाता फिर अब हम देखते हैं एक आपकी बुक में है रूट रूल नंबर थर्टी वन लिखा हुआ है जो कि एक्चुअली थर्टी वन नहीं है रूल थर्टी है जिसमें लिखा हुआ है कि एवरी टैक्स पेयर अदर देन कंपनीज एवरी टैक्स पेयर अदर देन कंपनीज और वो इनकम किसके अंदर ड्राइव का चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ये जस्ट जो एप्लीकेबल हैं ये जो हमने लास्ट स्लाइड पे जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े हैं ये उनके साथ एडिशनल हैं वो कंपलसरी हैं वो हर टैक्स पेयर के लिए हैं जो इनकम फ्रॉम बिजनेस विदड्रॉ जो क्या कर रहे हैं अन कर रहा है ये क्या है एडिशनल है उनके साथ अब इनमें रूल थर्टी पॉइंट वन हम पढ़ते हैं आपकी स्टडी टैक्स में रूल नंबर थर्टी वन लिखा गया है इसको सॉरी थर्टी टू लिखा गया है इसको और इसके सामने खाली प्लेस लिखी हुई ये इसी के सब पार्ट हैं टैक्स पेयर विद बिजनेस इनकम अप टू मतलब लेस देन फाइव हंड्रेड थाउजेंड या लेस देन फाइव हंड्रेड थाउजेंड टैक्स पेयर अदर देन कंपनी एंड न्यू टैक्स पेयर ड्राइविंग इनकम फ्राम बिजनेस अगर किसी सोल ट्रेडरशिप है इंडिविजुअल बिजनेस है या पार्टनरशिप नई स्टार्ट हुई है या किसी पार्टनरशिप या सोल ट्रेडरशिप जिसका प्रॉफिट जो बिज़नेस है इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो पाँच लाख से कम है तो उस पर ये रिक्वायरमेंट्स होंगी सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड कैश मेमोज इनवाइस रिसीट्स. सीरियल नंबर क्या होता है कि प्री नंबर्ड आपकी इन्वाइस होती हैं आप ऑडिट में जो चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे ऑडिट कैफ़ नाइन टैक्स वाला ऑडिट नहीं कैफ़ नाइन वाला ऑडिट आप पढ़ते हो कि क्यों ये चीज़ें कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं वो वो सेपरेट मैटर है तो आपने यहाँ पर याद करना है कि सेल इनवाइस आपकी सारी की सारी ईच ट्रांजेक्शन की बिजनेस ने क्या करनी है मेंटेन करनी है और उस इन्वाइस के ऊपर ये चीज़ें जो भी मेंशन है वो उसने क्या करनी है उसके ऊपर लिखनी है टैक्स पेयर्स नेम मतलब जो बिजनेस का नेम है वो ऊपर आना चाहिए या पर्सन का जो भी जिस नेम से पर्सन का बिज़नेस है वो ऊपर उस इन्वाइस के ऊपर प्रिंटेड होना चाहिए और द नेम ऑफ इज बिज़नेस क्योंकि नॉर्मली आप बिज़नेस का नेम ही प्रिंट करवाते हो आपका ऑनर का नेम तो उस पर नहीं आ रहा होता आप बॉटम पिन ऑनर का नेम लिख देते हो नॉर्मली ऐसे चल रहा होता है एड्रेस नेशनल टैक्स नंबर या सी एन ऐसा ही क्योंकि हमें पता है कि आजकल जो नेशनल टैक्स नंबर होता है वही वो, वो कौन सा होता है आपका सी एन आई इसलिए आपका नेशनल टैक्स नंबर होता है इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया और लिख दिया एंड सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अब सेल्स टैक्स अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ क्योंकि हम, हम सेल्स टैक्स में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या करते हैं अगर जो सोल ट्रेड जो गुड की ट्रेडिंग करता है जो मैनुफक्चरिंग करता है वो सेल्स टैक्स एक्ट के अंडर जो फेडरल गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स पे कर रहा होता है जो सर्विसेज दे रहे होते हैं वो अपने रेलिवेंट सूबे को प्रोवेंस को सेल टैक्स पे कर रहे होते हैं तो इसलिए उसका सेल्स टैक्स नंबर लाजमी होना चाहिए अगर नहीं है तो मतलब क्या है उसने डंडी मारी हुई है वो रजिस्टर्ड नहीं है द डिस्क्रिप्शन क्वान्टिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड और सर्विसज रेंडर्ड। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या डिटेल बतानी है कि कौन सी नेम क्या है इसका क्या क्या सीन है कितनी क्वान्टिटी है और पर, पर यूनिट क्या प्राइस है टोटल वैल्यू कितनी है वेयर ईज ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीड रुपीज वन हंड्रेड अगर आपने पूरे दिन में पचास ट्रांजेक्शन ऐसी की हैं जिनकी वैल्यू पर ट्रांजेक्शन तीन नबे रुपये निन्यानवे रुपये सौ रुपये अठानवे रुपये नाइन्टी सेवन नाइन्टी फाइव नाइन्टी तो आप उन सारी ट्रांजेक्शन का एक या एक से ज़्यादा दो या तीन आपकी आप पे आप डिपेंड करते हैं आप एक ही इन्वाइस इशू कर सकते हो अगर एक सौ एक रुपये की भी ट्रांजेक्शन होगी तो आपने उसकी सेपरेट इन्वाइस इशू करनी है जहाँ पर क्या है डज नॉट एक्सीड रुपीज़ वन हंड्रेड तो आप सौ रुपए तक की सारी ट्रांजैक्शन पूरे दिन एक दिन की एक इन्वाइस पर इशू कर सकते हो आप अपने पास रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट सेल्स पेमेंट्स परचेज एंड एक्सपेंसिज सिंगल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली रिसीट सेल्स, विल बी सर्फिस, विल सर्फिस क्या आप उन सारे एक्सपेंसिज की सारी सेल्स की टोटल सेल्स की सिंगल एंट्री पास कर देते हो अपने रिकॉर्ड में लेकिन आपने उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे अपने पास क्या करने हैं मैंटेन करने हैं वाउचर्स ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसिस आपने जो एक्सपेंस एनवाइज है ऊपर बात हो रही थी सेल्स एनवाइज की यहाँ पर बात हो रही है परचेज इनवाइस की आपने क्या करनी है अपने पास सारे मेंटेन रखने हैं अब हम देखते हैं कि थर्टी पॉइंट टू टैक्स पेयर्स विद बिजनेस इनकम एक्सीडिंग रुपीज फाइव हंड्रेड थाउजेंड एंड किस पे अपलिकेबल है होल डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स एंड कमीशन एजेंट्स सीरियली नंबर एंड डेटेड कैश मेमो वही बड़ी बात है जो हमें भी लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं टैक्स पेयर्स नेम वही ऊपर चीजें मैंशन करनी है जो भी हमने डिस्कस की हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन क्वान्टिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इन केस ऑफ ए होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर एंड कमीशन एजेंट अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जस्ट अगर आपने एक सेल की है दस हज़ार रुपए की या दस हज़ार एक रुपए की तो आपने उस ट्रांजैक्शन पे लिए क्या करेंगे आप लाजमी बात है आप सेल इन्वाइस इशू करेंगे तो आपने उस सेल इन्वाइस पर जिस कस्टमर को आप सेल कर रहे होंगे आपने क्या करना है उस कस्टमर का नाम और एड्रेस भी उस इन्वाइस पर क्या करना है मैंशन करना है और फिर वही बात अगर कोई इतनी पूरे दिन में ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जिनकी वैल्यू सौ तो रुपये या सौ रुपये से कम है तो आप उनके लिए एक, एक से ज़्यादा जो भी आपकी मर्जी आप कैश मेमोज इशू कर सकते हैं पूरे दिन में और आपने क्या मेंटेन करना है कैश बुक मेंटेन करनी है बैंक बुक मेंटेन करनी है डेली रिकॉर्ड्स और रिसीट्स ये कैश एंड बैंक पेमेंट के अंदर की सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप रिसीट्स होंगी वो रिसीट्स में आएंगे जो पेमेंट्स होंगी एक्सपेंसेस सारे कहाँ पर आएंगे पेमेंट साइड में आएंगे जनरल लेजर और एनुअल समरी ऑफ रिसीट्स एंड सेल्स पेमेंट्स परचेज एंड एक्सपेंस अंडर डिस्टिंगटिव हेड जो रेलिवेंट हेड्स के अंदर आपने क्या करें उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग की बातें हो रही हैं सारी आपने अकाउंटिंग में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं आप अकाउंटिंग में सारी चीज़ें बना रहे होते हो जो आपकी सेल्स डे बुक हैं आप उसमें सेल जो रिकॉर्ड करते हो आप कहाँ से रिकॉर्ड करते हो सेल इन्वाइट से देख रिकॉर्ड कर करते हो जब आपकी एक सेल रिकॉर्डेड है आपके अकाउंट्स में आपके सिस्टम में तो आपके पास उस एंट्री का उस ट्रांजेक्शन का सपोर्टिंग इन्वास होगी तभी आप रिकॉर्ड करेंगे तो जस्ट वो यही कह रहे हैं कि जो आपकी सेल रिकॉर्डेड होगी जो आपका एक्सपेंस रिकॉर्डेड होगा तो आप ज़ाहिर सी बात है वो किसी इनवाइस को देखकर रिकॉर्ड करेंगे तो आपने इसलिए अपने पास वो इन्वाइस रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है आपको क्या होगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड होंगे वो टैक्स के मुताबिक आपके रिकॉर्ड जो आपने मेंटेन करने हैं फिर है आपका वही वही कंटिन्यू चल रहा है फिलहाल वाउचर ऑफ परचेज एंड दे एक्सपेंसिस सारी की सारी क्या करनी है आपने रिकॉर्ड करनी है और इस तरह अगर आप कोई ऐसी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं जिसकी वैल्यू दस हज़ार रुपए से ज़्यादा है जैसे अभी हमने सेल की बात की थी अगर आप दस हज़ार से ज़्यादा की सेल की एक ट्रांजेक्शन में कर रहे हैं तो आपने कस्टमर का नेम और एड्रेस लिखना है अगर आप परचेज कर रहे हैं तो टैक्स पेयर कोई चीज़ परचेज कर रहा है तो उस केस में वो क्या करेगा पे जो भी जिससे वो सप्लायर है उसका नाम और उसका एड्रेस क्या करेगा उस एडवाइस के ऊपर मैंशन करेगा वेयर द टैक्सपेयर डीज इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड शोइंग डिस्क्रिप्शन quantity एंड वैल्यू तो उसके अगर एक टैक्स पेयर है वो क्या कर रहा है ट्रेडर का काम कर रहा है गुड्स परचेज कर रहा है आगे सेल कर रहा है so, तो फिर उसने क्या करना है क्वार्टरली इन्वेंट्री की जो वैल्यू है जो डिस्क्रिप्शन है स्टॉक टेक करवा के वो क्या करना है उसकी क्वांटिटी कितनी इस टाइम अवेलेबल है स्टॉक में और उसकी क्या वैल्यू है क्या प्राइस है वो एन आर बी उसकी क्या वैल्यू है उसकी कॉस्ट क्या, क्या है एटसेट्रा एट्सेट्रा फिर अब हमारे पास आता है थर्टी पॉइंट थ्री इसमें बात कर रहे हैं प्रोफेशनल्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं अकाउंटेंट्स हैं हमारी बात है हो रही है जनाब खुश हो जाए ऑडिटर्स हैं ये भी हमारी बात हो रही है आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स इसमें भी उन्होंने क्या करना है जो भी कस्टमर है या पेशेंट है डिपेंड करता है कौन से प्रैक्टिशनर है उन्होंने क्या करना है क्योंकि वो उनकी सेल है जो सर्विस दे रहे होते हैं रेवेन्यू है तो उन्होंने इनवाइस सीरियल नंबर इनवाइस इशू करनी है अपने जो भी लेटर हेड पे जिसके ऊपर टैक्स पेयर का नेम या फॉर्म है तो फॉर्म का नेम प्रोफेशन जो भी है एक्सेट्रा जो भी आप अपने आपने प्रिंट करवाना चाहता है पर्सन वो पर करवा सकता है ऊपर उसका हेड ऑफिस का एड्रेस नेशनल टैक्स नंबर एंड सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर एफ एन ए होना लाजमी चाहिए लेकिन हम डंडी मारते हैं फिलहाल पाकिस्तान में इतना कोई सिस्टम नहीं है जिससे वो उस चीज़ों को कंट्रोल कर सकें आपस में कर रहे हों तो कुछ ऐसे लोग भी बिज़नेस कार्य होते हैं जिनको सेल टैक्स पे करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइबिलिटी है लेकिन वो ख़ुद को रजिस्टर ही नहीं करवाते क्योंकि वो इतने छोटे लेवल पर ट्रेडिंग कार्य होते हैं तो उनको अप्रोच करना एफ के लिए काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हमारा सिस्टम अभी इतना डिवेलप्ड नहीं है द डिस्क्रिप्शन क्वान्टिटीटी एंड वैल्यू ऑफ़ मेडिसन सप्लाइड आर डिड ऑफ़ ट्रीटमेंट केस वेयर सर्विस रेंडर्ड एंड अमाउंट चार्ज कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड अगर एक लीगल लीगल केस है लॉयर है तो उसके पास भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है हर केस के रिलेटेड अगर डॉक्टर है तो उसके पास भी पेशेंट्स फीमेल्स भी होती हैं मेल्स भी होते हैं तो उनकी भी पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल है वो शेयर नहीं कर सकता अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऑडिटर है तो उसके पास तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉमेशन होती है तो वो भी वो उनको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो डिस्क्लोज करें द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट और क्लाइंट आप अगर हम ऑडिट फार्म की बात करें जब आप फॉर्म अपनी ऑडिट फीस की जो इनवाइस भेजती है तो उसके ऊपर उसका अपना नाम भी होता है उसका नेशनल टैक्स नंबर भी नंबर भी होता है सेल्स टैक्स नंबर भी होता है और क्लाइंट का जो जिस कंपनी को आप इशू कर रहे होते हो तो उसका नाम और उसका डिटेल और उसका टैक्स नंबर और सारा कुछ इसके ऊपर मैंशन होता है डेली अपॉइंटमेंट जहाँ पर अब बात हो रही है प्रैक्टिशनर जो है ना मेडिकल और लीगल एंड एंगेजमेंट डायरीपेक्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स डेली रिकॉर्ड्स ऑफ रिसीट्स ऑफ सेल्स पेमेंट सेम वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं बट डिफरेंट केसेस के अंदर वाउचर्स ऑफ ऑफर एंड एक्सपेंडि भी क्या करने हैं इन्होंने मेंटेन करने हैं अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर्स कौन से मैन्युफैक्चरर्स विद टर्नओवर रेवेन्यू की बात हो रही है यहाँ पर रुपीस एक्सीडिंग 25 लाख रुपए ऐसे मैनूफेचर जिनका टर्नओवर 25 लाख से पूरे साल में एक्सीड करता है तो उन पर रिक्वायरमेंट्स हैं उन्होंने भी क्या करनी है कैश मेमो इनवाइस या सेल्स इनवाइस सारी उन्होंने रिकॉर्ड करनी है और उन पर क्या चीज़ें होनी चाहिए ये होनी चाहिए टैक्स पेयर का नेम वही बातें सारी बार बार रिपीट हो रही हैं डिस्क्रिप्शन क्वान्टिटी एंड वैल्यू ऑफ़ गुड सोल्ड वेयर ए सिंगल ट्रांजेक्शन एक्सट दस हज़ार रुपए तो उस पर कस्टमर का नेम होना चाहिए वही बातें हैं सारी कैश बुक मेंटेन करनी है सेल्स डे बुक या सेल लेजर मेंटेन करना है आपकी सारी अकाउंटिंग की टर्म्स हैं आपको आनी चाहिए माशाल्लाह से आप एफ वन पढ़ रहे हो आपने इंट्रो पास कर ली हुई है परचेज डे बुक एंड परचेज लेजर सेम बातें हैं वही जनरल लेजर आपको पता है कौन से होते हैं पता है ना जी कौन से होते हैं ट्रेड रिसिवेबल्स के ट्रेड पेबल्स के कैश एंड बैंक इन्वेंट्री प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पता है ना सारे ये आपके क्या होते हैं जनरल लेजर्स होते हैं जो इनकम एंड एक्सपेंस होते हैं वो आपके नॉमिनल लेजर्स होते हैं ठीक है जी वॉचेज आप एंड वेयर ए सिंगल ट्रांजेक्शन एक्सीड दस हज़ार रुपये है तो आपने क्या करना है उसके ऊपर ट्रेड पेबल आपके सप्लायर का और उसका एड्रेस का नाम उसका नाम मैंशन करना है स्टॉक रजिस्टर ऑफ़ स्टॉक इन ट्रेड सपोर्टेड बाई गेट इन इनवर्ड एंड गेट आउटवर्ड्स ये नई टर्म्स हैं आपने अकाउंटिंग में अभी तक नहीं पढ़ी होंगी बिज़नेस के क्या होते हैं कुछ कंट्रोल्स होते हैं ताकि जो एक्टिविटीज़ हो रही हों उनको पता हो अगर एक अकाउंटेंट कहता है कि जी हमने तो सब ये चीज़ें की हैं हमने ये चीज़ परचेज़ की है तो उनके कंट्रोल्स हैं पॉलिसीज़ हैं एस ओ पीज होते हैं बिजनेस के पर्सनस के इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कि जो भी चीज़ बिजनेस के जो प्रेमिस हैं जो मेन गेट है उससे अंदर इंटर होगी तो उसका एक गेट इनवर्ड बनेगा गेट इनवर्ड अब वो ऐसे भी होते हैं कुछ बिजनेस वो क्या करते हैं जो चीज़ स्टोर में इन होगी जो इन्वेंट्री का स्टोर होता है जहाँ पर आपका स्टॉक पड़ा होता है बिजनेसिस का कि जो चीज़ स्टोर में इन होगी स्टोर कीपर होते हैं वो क्या करते हैं गेट इनवर्ड बनाते हैं कि जी इतनी मैंने इन्वेंट्री इतना मैंने स्टॉक इस आइटम की इतनी क्वांटिटी इस आइटम की इतनी क्वांटिटी तो इस आइटम की इतनी क्वांटिटी मैंने आज रिसीव की है और अगर जब वो कोई सेल करेगा तो जब वो सेल के केस में क्या होगी तो वो स्टॉक कीपर रेलिवेंट क्वान्टिट्टी को रेलीवेंट आइटम की रेलिवेंट क्वान्टिट्टी को क्या करेगा वो गेट से बाहर इशू करेगा कस्टमर को भिजवाएगा उस केस में वो क्या करेगा गेट आउटवर्ड बनाएगा तो जब आप क्योंकि आपका जो स्टॉक इन ट्रेड है आप उसको ट्रेस कर सकते हो अगर आप जानना चाहते हैं डायरेक्टर्स की जी हमारा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो क्या देख सकते हैं कि ओपनिंग कितना पड़ा हुआ था कितने की कि हमारे पास इनवासेज आए हुई है। हैं फिर वो उसको ट्रेस कर सकते हैं कि ओपनिंग कितना पड़ा हुआ था कितने हमारे पास क्या हैं गेट इनवर्ड्स हैं पूरे साल में कितने गेट आउटवर्ड्स हैं कितना हमारा अवेलेबल होना चाहिए फिर वो क्या करते हैं फिज़िकली अपने एम्प्लॉज से अकाउंट करवाते हैं जब हम जैसे फॉर्म्स के ट्रेनिंग को बुलवा कर और डीटर्स को फॉर्म्स के पार्टनर को कहते हैं कि हमें आपको हम असाइनमेंट दे रहे हैं पचास हज़ार रुपए की आपने हमारा स्टॉक पेक करवाना है तो हम जाके उनका स्टॉक पेक करते हैं हम कहते हैं कि जी हमारे मुताबिक आपका इतना तो स्टॉक पड़ा हुआ है तो फिर वो देखते हैं कि जी हमारे मुताबिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक कितना पड़ा होना चाहिए फिज़िकली इतना पड़ा हुआ है अगर कोई गपला हुआ तो फिर किसके ज़िम्मे आता है आपके स्टोर कीपर के ज़िम्मे आता है क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ ऑल आइटम ऑफ़ स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूडिंग वर्क इन प्रोजेक्ट शोइंग द डिस्क्रिप्शन क्वान्टिटी एंड वैल्यू कि क्वार्टरली उन्होंने क्या करना है एक तरह का स्टॉक टेक करवाना है और उन्होंने क्या करना है सारी वर्किंग प्रोसेस आपको पता है क्या होता है मैनुफरिंग बिजनेस है जो तो ना रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड्स है प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो आपकी इन्वेंट्री होती है उसमें हम क्या करते, है? प्रोसेस करते हैं प्रोसेस कहते हैं अब हम देखते हैं कि एवरी टैक्स पेयर ड्राइविंग इनकम चार्जबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी प्रॉपर्टी कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज बिजनेस क्योंकि काफ़ी ब्रॉड है आपका टैक्स में काफ़ी मुश्किल भी है काफ़ी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं तो आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं जबकि सैलरी के केस में जस्ट आपकी सैलरी स्लिप में क्या होते हैं आपके रिकॉर्ड्स होते हैं सैलरी के केस में सैलरी सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी एंड टैक्स डिजेक्टेड देयर फ्रॉम ये कौन प्रोवाइड करता है आप अपने एम्प्लॉयर से कहेंगे सर मैंने रिटर्न जमा करवानी है आप मुझे सैलरी सर्टिफिकेट दें जितना तो आपने पूरे साल में मेरा टैक्स काटा है आप अपने कंपनी के लेटर हेड पे मुझे वो सर्टिफिकेट बना के दें उस पर स्टैंप लगा दें बस मेरा डॉक्यूमेंट पूरा हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इसमें कुछ ज़्यादा हो सकते हैं टेनेंसी एग्रीमेंट क्योंकि जब आप कुछ रेंट पर चीज़ लेते हो या देते हो तो आप एक एग्रीमेंट करते हो जब आप एक ख़त्म करते हो अगर आपने उस साल कोई चला गया है तो उसमें आपका टर्मिनेशन एक, टर्मिनेशन एग्रीमेंट होगा तो वह भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए रिसिव फॉर अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव जो आप मंथली रेंट रिसीव कर रहे हो तो आप उसके कहना तो एक अनवाइस इशू करो ताकि आपके पास क्या हो एक एविडेंस हो कि आपने भी पैसे रिसीव किए हैं अब एविडेंस ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड टू इंश्योर द बिल्डिंग अब ये जो बात यहाँ पर हो रही है ये बात हो रही है कंपनी के हवाले से हमने क्या पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तो हमें डिडक्शन अलाउ होती नहीं है अब होती है अगर आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो ग्रॉस अगर चार मिलियन से ज़्यादा है तो फिर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो लेकिन हम जनरल बात करें जनरली नहीं होती क्योंकि चार मिलियन तक का तो एक आम टैक्स पेयर नॉर्मल का इतना रेंट रिसीव नहीं होता मैक्सिमम हो जाए तो तीन चार लाख रुपए या पाँच लाख रुपए उसको महीने का मिल जाएगा मैंने कहा नहीं सॉरी साल का उसका रेंट बनता जाए बन जाएगा पंद्रह बीस लाख बन जाएगा जाए, जाए, जाए। तो फिर उस केस में क्या होता है वो उसके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती तो ये जो जो डिडक्शन हैं सारी की सारी ये कंपनी को अलाउ होती हैं चाहे उसकी रेंट की प्रॉपर्टी की इनकम एक लाख हो चाहे दो लाख रुपए हो तो उस केस में उन्होंने जो भी इंश्योरेंस उसने अगर कर करवाई हुई है अपनी बिल्डिंग की अपनी प्रॉपर्टी की या उसने कोई लोन लेकर वो परचेज़ किया और लोन पे भी इंटरेस्ट कर रहा है अगर को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई है अपनी उस बिल्डिंग की तो उस केस में उसने क्या करना है सारे रेलिवेंट एक्सपेंसि के रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करने हैं कैपिटल गेन एविडेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द कैपिटल एसेट अब कैपिटल एसेट हमारा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आपके शेयर्स होते हैं आपकी ज्वेलरी हो गई आपके उसके अलावा बिल्डिंग हो गई आपका लैंड हो गया तो जो चीज़ आप परचेज कर रहे हो तो लाइस बात है उसका कोई एग्रीमेंट होगा जो उस एग्रीमेंट पर उसकी वैल्यू आ रही होगी वो आपकी क्या हो क्या होगी कॉस्ट होगी तो आपके पास मतलब वो एग्रीमेंट होना चाहिए जब आप उसको सेल करोगे अगर आप उसके अगर उसके अगेंस्ट आपको कोई डिडक्शन अलाउ है जो आप कॉस्ट क्लेम कर रहे हो तो आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए एविडेंस इंस्पेक्टर ऑफ कंस्टिटेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ़ द कैपिटल एसेट जब आप उसको डिस्पोज ऑफ़ करोगे जाहिर सी बात है आप उसके इसमें क्या करोगे ट्रांसफ़र करोगे ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट होगा तो उसके ऊपर भी क्या होगी वैल्यू होगी तो फिर वो आपकी क्या होगी कंस्टेशन रिसीव्ड होगी फिर हम देखते हैं इनकम फ्राम अदर सोर्सेज डिविडेंड कंपनी लॉ चैप्टर ट्वेंटी सिक्स डिविडेंट की पेमेंट वाला पोर्शन डिविडेंट वारंट्स एंड ऑनलाइन पेमेंट एंड चेक जो डिविडेंट वारंट वारंट कंपनी इशू करती है वो क्या होता है वो एविडेंस होता है आपने क्या करना अपने पास वो संभाल कर रखने होते हैं रॉयल्टी तो रॉयल्टी के भी एग्रीमेंट होते हैं तो आपका जो एग्रीमेंट है वो क्या आपका है आपका एविडेंस है आपका डॉक्यूमेंट है जो आपने मेंटेन करने हैं प्रॉफिट ऑन डेट एविडेंस ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट एंड टैक्स डिलेक्शन देयर ऑन आपको पता है कि जब आपके अकाउंट में जो डिपॉजिट्स पर आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है जब बैंक आपको वो प्रॉफिट पे करता है तो उसके ऊपर वो एक टैक्स डिडक्ट करता है इनकम टैक्स आपके विधायेड होता है एडवांस और उस पर वो क्या करता है डिडक्ट डिलेक्ट करता है आपकी ज़क़ात तो आपको जकवात के लिए भी क्या चाहिए जो डिडक्टेड होती है एड सोर्स आपको उसका भी एविडेंस चाहिए और आपको जो आपका प्रॉफिट है और जो आपका टैक्स विद हेल्ड हो रहा है आपको उसका भी एविडेंस चाहिए एविडेंस कौन प्रोवाइड करेगा जो जिस आपको सारे पैसे काट रहा है कौन काट रहा है बैंक काट रहा है तो आप बैंक से क्या कर लेंगे एक सर्टिफिकेट मांग लेंगे या आपकी जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है आपने बी में बैंक स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो आप उस बैंक स्टेटमेंट से भी इन चीज़ों को क्या कर सकते हो ट्रेस कर सकते हो ये पॉसिबल होता है आप सीखेंगे ये आ, आर्टिकल छ में जाकर जब उसमें आप अकाउंट्स बैंक स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहे हो तो जब आप टैक्स के अगर अगर आप टैक्स पे नहीं बनोगे आप उसमें ये चीज़ें पढ़ोगे ये चीज़ें डिस्कस करोगे फिर आता है ग्राउंड रेंट रेंट फ्राम द लीज ऑफ ए लैंड और बिल्डिंग इनकम फ्राम द लीज़ ऑफ एनी बिल्डिंग क्या आपको पता आपने पढ़ा था कि अगर आप किसी रेंट पे ली हुई बिल्डिंग को सबलेट कर दो तो वो क्या है आपके इनका अदर सोर्सेज है इस तरह आप क्या कर दो ऐसे कोई लीज पे दे दो वो भी क्या है आपके इनके फराम अदर सोर्सेज है तो उसमें आपके पास लीज टर्मिनेशन एग्रीमेंट और लीज़ एग्रीमेंट आपके पास क्या होने चाहिए अवेलेबल होने चाहिए फिर आपके पास आता है कि एन और पेंशन आपको याद हो कि हमने कहा था कि एन और पेंशन भी कुछ केसेस में इनकम फ्राम सोर्स में आ सकती है लेकिन ये कहाँ कवर हो रही थी इनकम फ्राम सैलरी में कवर हो रही थी लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है तो जो भी आपको पेमेंट रिसीव होगी वो क्या होगी आपकी यहाँ पर टैक्स होगी आपके पास वो एविडेंस होना चाहिए प्राइज मनी प्राइज मनी ऑन बॉन्ड विनिंग फ्रॉम ए रेफल लॉटरी और क्रॉस वर्ड पजल उस केस में आपके एविडेंस ऑफ इनकम एंड टैक्स देयर ऑन लाइफ सर्टिफिकेट इन द प्रसक्राइब्ड फॉर्म आपने क्या करना अपने पास मेंटेन करने हैं आपने एक और पढ़ा होगा कि प्रोविजन यूज और एक्सप्लोर्टेशन ऑफ़ द प्रॉपर्टी अनकम फ्राम अदर सोर्स में इसको डिस्कस किया था कि उसमें जो आपके एग्रीमेंट होंगे वो आपके क्या होंगे डॉक्यूमेंट होंगे जो आपने क्या करने वाले अपने पास मेंटेन करने हैं लोन एडवांस डिपॉजिट और गिफ्ट ये कौन से हैं कैश में लोन लिया है आपने वो क्या होगी आपकी इनकम हम अदरसोर कंसिडर होगी आप इस तरह कोई एडवांस लिया कोई डिपॉजिट या आपको आपकी किसी दोस्त ने गिफ्ट दिया है तो वो गिफ्ट भी क्या होगा आपका क्या होगा क्या क्या कंसिडर किया जाएगा इनकम कंसिडर की जाएगी तो उसमें आपने क्या करना है एविडेंस आपका क्या होगा जो आपको लोन रिसीव हुआ है जो आपको क्या हुआ है गिफ्ट मिल रहा है या डिपॉजिट मिल रहा है तो आपने क्या करना है उसका एविडेंस प्रोवाइड करना है जनरल में क्या है अगर आपको डिडक्शन और आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो आपने उस एक्सपेंडिचर जो आप क्लेम कर रहे हो आपको उसका एविडेंस प्रोवाइड करना है मतलब उसकी एडवाइस प्रोवाइड करनी है जो मेन सोर्स है आपका और आपने ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पर रखने हैं अपने पास अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो उसका हेड ऑफिस होगा तो आपने क्या करने हैं सारे प्लेस ऑफ़ बिजनेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ़ बिजनेस पे आपने क्या करना है मेंटेन करने हैं अगर आपकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं और आप अपनी ब्रांचेज में सेपरेट बुक्स बना रहे हैं तो आपकी जो ब्रांच ऑफिस है अपने वहाँ पर काम करना है उस बुक्स को रिकॉर्ड्स को मैंटेन करना है इनकम फ्राम अदर सोर्सेज इनकम फ्राम सोर्सेज अदर दैन द बिज़नेस तो उस केस में पर्सन ने क्या करना है अपनी पर्सनल प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्योंकि उस केस में अगर वो घर की उसकी सारी चीज़ें हैं घर में उसने क्या करना है अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है और जो जो जिन डॉक्यूमेंट जिन जगह पर अपने डॉक्यूमेंट्स वो रख रहा होगा उसने क्या करना है क्लियरली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर बताना है कि जी मेरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं मेरी कहाँ पर पड़ी हुई है बिज़नेस है तो बिज़नेस प्लेस पर होंगी या जहाँ पर भी हैं अगर पर्सनल है तो अगर इनका फ्रॉम अदर सोर्सेज है या सैलरी की या उसके डॉक्यूमेंट पर्सनल प्लेस पर होंगे उसने उस केस में अपने घर का एड्रेस बताना है कि जी यहाँ पर डॉक्यूमेंट सारे पड़े हुए हैं तो जो हमारा ऑडिट वाला क्वेश्चन रहेगी उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एक सेपरेट यू की काफ़ी लेंथी हो गई है तो हम उस ऑडिट को सेपरेट थर्ड वीडियो में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे